गुड मॉर्निंग क्लास आज रे क्लास रे काबे कोन करबा अष्टम श्रेणी बीजगणित रे की अष्टम अध्याय व्यवसायिक गणित रे की अनुश्रेणी 8 ए करबा हैला मोर लास्ट क्लास रे की मो कोन करथली अनुश्रेणी 8 ए रे की क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत मो करैथली आज आमे कोन करबा क्वेश्चन नंबर 7 आ क्वेश्चन नंबर 8 रे की समाधान करबा जे कोन जिंस देछि आ ता बिषय रे किछ जानिबा अनुश्रेणी करिया पूर्वरु मु तार थ्योरी पार्ट कंप्लीटली पढे सारछि तो जदि तमरो किछि डाउट अछि तो से वीडियो सब देखि पारिबो तो मोर पढेबा स्टाइल होछि एटा कि मु फर्स्ट कोन करबि तो मानको बिना धारा रे कि आके बुझै कि कहबि जे केमतिका तो माने बुझि पारिबो तापर कोन करबि धारा देखि मु बुझैबि बुझल त एबे हम कोन करबा बिना धारा रे कि बुझैबा जे एरा को केमतिका तार सॉल्यूशन रा बाहर होछि केमतिका तार समाधान रा होछि तापर हम कोन करबा ताको होछि भल कि धारा देखि लेखिबा केमतिया लेखिबा बुझैला तो स्टार्ट करो एटा होछ प्रश्न देछि हैला मु कोन कहितली प्रश्न को फर्स्ट होछि दुई थोर पढिबो बुझि पाले ना नै फर्स्ट आगे तुमको आंसर लिखा दरकार नै प्रश्न को आगे दुई थोर पढिबो कोन पढिबो जने व्यवसायी 1000 टी अंडा किनिला सेथिर 90 टी अंडा पछि गला हैला 1000 टा किनिला 90 टा पछि गला अवशिष्ट अंडा को प्रति डजन कोन गला छ टंका 9.60 पैसा रे कि बिक्री गला माने 9 टंका 60 पैसा रे कि बिक्री कला वो शतकड़ा 12% क्षति गला बुझी पार सी कौन कहला देख फुल मिले कि एत कथा कह तो गोटे व्यवसायी अच्छे है जी 1000 टा अंडा हो कि बुझी पार से कौन है 90 टा अंडा पचीगला आती अंडा ताला से कौन कल डजन प्रति 9 टा 60 पैसा रखे बिक्री कर 12% क्षति गला तो व्यवसायी केत टा को कि निर्णय कर देख तो दत्त आम कौन कर देख लेख बुझिपाल दत्त कौन देछि आमु कौन देछि जे किनिथिला अंडा केतना 1000 टी अंडा किनिथिला हैला तो मु एमिति आगे शॉर्ट रे लिखु छी देखो तापर मु तनु बुझै के कहि 1000 टा अंडा होछि किनिथिला सी बुझिपाल से त कोन होला 90 टा पछि गला 90 टा यदि पछि गला 1000 टा आनिथिला 90 टा पछि गला फिकि दिछि जे तापर केतना अंडा अछि 1000 रु 90 वियोग करो केते हो पिला माने 0.1910 टा अंडा एबे ता पाखरे जो अंडा अछि 910 टा अंडा अछि बुझि पारले पर्यंत पूरी कोन कहि छि अवशिष्ट अंडा को प्रति डजन से 9 टका एतिको गुट हमर कथा गलो छि केता अंडा तार अवशिष्ट अंडा एतिको अवशिष्ट अंडा बुझल अवशिष्ट अंडा केते होला 910 टा पूरी कोन कहि छि प्रति डजन 9 टका 60 पैसा रे कि बिक्री कर छि माने डजन गोटे डजन केते ना 1 डजन केते पिला माने 12 टी त माने 12 टी अंडा को बिक्री कर छी अंडा बिक्री कर छी से केते रे 9 टका 60 पैसा बुझियला से 9 टका 60 टा केते एडा टका दिला एतिको बुझि पालो एडा छोन कोन को 960 पैसा बुझि पालो ना नै 9 टका 60 पैसा माने 960 पैसा काहे कि जेहेतु 1 टका समान 100 पैसा बुझी पालो तबे हम कोन ला डजन को से 12 डजन टा हमर केतला 12 टा 12 टा अंडा को से कोन करछि 9 टका 60 पैसा रे बिकि छि बुझला आमे देखबा त 910 टा अंडा को केत टका बिक्री करछि देखबा बुझि पार छै नै तो देखो 12 टा अंडा को से बिकला 960 पैसा रे से बेले कोन को गुट अंडा को बिक्री हो केत रे 960 विभक्त 12 96 तो 80 तो एबे हम कोन करबा गुटे अंडा बाहर गेला हमर केतरा अंडा बाहर करियो नछि 910 टा अंडा समान केत हबो 80 गुणन केत हबो 910 समान पिला माने केत हबो सुन सुन कथा भूली जाओ 8 के 8 9 टा 72 बुझि पालो पुनी दीटा सुन अछि हला बुझबे काहे कि गेलो 91 पर गुटे सुन अछि तापर 80 पर गुटे सुन अछि सुन सुन कथा छाड़ी दियो तापर हम कोन करले दुटा सुन पर बसे दबो एटा गुणि दियो 8 के 8 9 टा 72 728 पर दुटा सुन गेला पिला माने बुझि पालो ता हमर केते हला एतिको पैसा पैसा लिखो बुझि पालो तो 910 टा अंडा को से बिक्री करिबो 728 पर दुटा सुन पैसा अछि हम एगो टंका करिबा कोन करिबा दुटा सुन उठै दियो बुझि पालो ना नै काहे कि गोटे जतले हम कहू छै को एटी कोन कहिदिली गोटे टंका सुन 100 पैसा से एतिको 100 पैसा माने केते सेतिको टंका 728 टंका बुझि पाला पिला माने पढ़ जतो 910 टा अंडा को से कोन करछि 728 टंका रे कि बिक्री करू छी त हमको कोन मिलला विक्रय मूल्य मिलला ओरे
विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान के पे 728 बुझी पार पुणी कौन कही देखुव भल कि लिखिक बुझे 12% क्षति कला के हिसाब से बिक्री कला से कौन कला 12% क्षति कला 12% क्षति तो पिला माने 12% क्षति माने कौन 100 टंका कि 12 टंका होची क्षति करची बुझी पालो जते बेला होचु 100 टंका देखि से किनीची क्षतिरा कोन थिरो किना मूल्य परे 100 टंका क्रय मूल्य रे केतो टंका बिकि बसे बिक्रय मूल्य केतो हबो विक्रय मूल्य समान केतो हबो 100 विजुक्त 12 पिला माने एटा केतो हबो 88 एपर्त बुझीपाल पे 100 टा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 88 टाँचा बुझेगा बुझीपाल नहीं तो कितना आम को कौन देती 728 कौन दाम विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य को नहीं आसा 88 टाँचा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 100 टाँचा तो टंका आगे के 100 विभक्त 88 टाँचा 700 विभक्त 88 गुण 728 बुझीपाल पाने तो मिसा दे 7 2 8 0 0 विभक्त 88 तो ये केट तुम्हें मैंने 8 काटले कौन हम सामान 8 काटले कौ 11 8 9 72 पुणी 8 के 8 तापर 2 शून केतला ताले 9 1 0 0 विभक्त 11 बुझीपाल एटा हूँ तुम उत्तर या तुम मिश्र भग्नांश में परिणत कर मिश्र कले के पिला मैंने 9 1 0 0 रो के भाग कर 11 11 8 11 2 22 के बचले पिला मैंने 8 80 11 77 के 3 तो यह समय के 27 पूर्ण 3 विभक्त 8 3 विभक्त 11 बुझेगा ये समान के तुम ये कौन कर 827 पूर्ण 3 विभक्त 11 बुझीपाल पे मैंने तो यहाँ हूँ तुम आंसर हाँ एपर्तंत तुम मैंने बुझी सारच फर्दर मोर ये भिडियोटा देखा दरकार नहीं खाली लेंथ बढ़ बुझेगा तो मेन कथा हूँ तुम्हें बुझा दरकार तो ये मुझे कौन करी तेज़े आपको लिभेक धारा आकार बुझे कही बुझेगा देख तो एपर्तंत मुझे आशा कर बुझीपार लिभ तो पिला माने देखो फर्स्ट आम कौन कर दत्त है तो सर्ट रे मुझे तुमको बुझे दिली जे केमती हम एम कौन कर धारा आकार लिखा देखो जड़े व्यवसायी 1000 रे अंडा किनिला बुझेगा व्यवसायी किनी अंडार संख्या केते व्यवसायी जनक किनी अंडार संख्या संख्या समान केते पिला माने 1000 बुझेगा 1000 अंडा से किनिला से पचीगला के 90 अंडा पची जा अंडार संख्या समान केते पिला माने 90 अर्थात कौन हम पिला माने व्यवसायी पाखरे अवशिष्ट अंडा संख्या बुझेगा व्यवसायी पाखरे अवशिष्ट अंडार संख्या समान के पिला माने 1000 विजुक्त 90 समान के 910 अंडा बुझेगा तो व्यवसायी पाखरे अवशिष्ट अंडा केत रहा 910 बुझीपाल पुणी आम के पहुंचीगले एत पर्यटन पहुंचीगले मैंने अवशिष्ट अंडा कथा देखिए बाहर करार अच्छे तो ये कौन है पे प्रति डर्जन हूँ 9.60 बिक्री कर मैंने डर्जन प्रति है गोटे डर्जन को तार विक्रय मूल्य के 9.60 है 1
डजन रो विक्रय मूल्य समान केते हो पिला माने 9 टका 60 पैसा समान केते ला 960 पैसा बुझी पालो पिला माने पर्यंत तो एबे हम को कहबा गोटे डजन दु दे छी गोटे डजन समान केते दा 12 टा में जाने छे तो 12 टी अंडा रो विक्रय मूल्य पिला माने केते होबो 960 पैसा बुझी पाछ ना नहीं पूरा सिंपल कथा दा 12 टा अंडा रो विक्रय मूल्य होछ 960 मु बुझै तुम मान को ऑलरेडी कहि सा छी एबे हम को करबा गोटे अंडा रो बाहर करिया एक टी अंडा रो विक्रय मूल्य पिला माने केते होबो 960 विभक्त 12 समान केते हला 12.96 पैसा पिला माने सब बेले चेष्टा करबो छी एकक लेखियो पई बुझि गेल जमते के 80 लेखि छाड़ देलो तो जना ता 80 टंका भी नै पारिबो गोटो अंडा रा दाम 80 टंका हेछि कि हे नै तो कोन होबो 80 पैसा होबो तो पैसा सब लेखियो जमते मु पैसा लेखि छी टंका लेखि छी बुझला एते टा लेखि छी तो सब बेले चेष्टा करबो तार एकक लेखियो पई तो कोउटी कोउटी एमिति का भी एग्जामिनर जो थांती समाने एकक न लेखले भी मार्क काटंती बुझला एकक लेखिवार के मार्क्स भी थाए अदर मार्क गोटे मार्क थाए तो पिला माने देखो गोटे अंडा रे विक्रय मूल्य ताले कोन होला 80 पैसा तो पिला माने हम पाकर अंडा केतना आछि टोटल 910 टा अंडा आछि ता माने कोन होला 910 टी अंडा अंडा रो विक्रय मूल्य पिला माने केते होबो 80 गुणन 910 समान केते होबो पिला माने 80 गुणन 910 रे केते होबो 8 के 8 9 72 पर 2टा शून्य केमिति हम गुणैली जमन बहुत सर केते सही रो एते बड़ बड़ संख्या रे गुणि देले देखो ये सुन 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 में भूली जीवो जोड़ा को सुन सुन लास्ट रे लिखी ली बुझेला एबे हम करबा 8 रे की 1 गुणी को केतला 8 972 तो केतला 91 रे 8 गुणले केतला 728 तावर सुन एथरी उठ छाड़ देतली तो दुटा सुन में एथरी मिसे देली बुझेला तो एथि को कोन होला पिला माने पैसा तो एथि को पैसा समान केते पिला माने 728 टका जेहेतु मु कोन कहि दिली एटी लेखो तले तुम माने एडा जेहेतु कोन होबो 1 टंका समान 100 पैसा बुझेला पिला माने 728 पर 2टा शून्य छ तो 2टा शून्य को काट देला मोर टंका आइ जीवो कने 2टा शून्य छ छ ना 100 1 पर 2टा शून्य छ पैसा रे की एक्स्ट्रा बुझी पालो तो कोन होला हमर 910 टी अंडा को से कोन करछु बिक्री करछु होछ 728 टंका रे एइट तुम माने कोन बुझिरो अंडा तो ता पाखरे टोटल होछ 910 टंका 10 टी अंडा अछि से बिकि छि केते 728 टंका माने जो 728 हमर कोन विक्रय मूल्य अतए विक्रय मूल्य समान केते पिला माने 728 टंका एटा गोटे कथा बुझि पालो पिला माने 728 टका होछ तार विक्रय मूल्य हला आंगु कोन दै छी क्रय मूल्य निर्णय करिया छी विक्रय मूल्य दै छी 728 टका पिला माने आउरो कथा देखो हमर ए पर्यंत बुझि पाले हम ए पर जो बाहर करले हमर ए पर्यंत बाहर करले कोन कोन कहि छी 12% क्षति कला व्यवसाय रो कोन छै शतकडा 12 होछ क्षति छै माने 12% तार क्षति हि छै बुझि पाछो तो देखो पिला माने एबे देखो प्रश्न अनुसार व्यवसायी जनक बार प्रतिशत क्षति करी अतएव कौन को पिला मैंने अतएव 100 टंका क्रय मूल्य रे क्षति समान केते 12 टंका बुझी पालो पिला माने जदि से 100 टका देखि कि था से खेती केते करछे 12 टका सबटा कथा देखो 100 टका देखि से किनिला से तो कहला 12 टका से लॉस कर देला बुझी पालो 100 टका किन के 12 टका लॉस कला ता माने बिकि से केते टका रे एडा भी कर दो 88 टका जने को कहि दिल तो मान को हां ना तो देखो अबे दारे 100 टका क्रय मूल्य रे खेती होजे 12 टका देखो अर्थात कोन हो पिला माने 100 टका 100 टंका क्रय मूल्य रे विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य समान केते बो पिला माने 100 विजुक्त 12 समान 88 टंका बुझि पालो पिला माने 100 टंका रे से किनिथिले बिकी जोजु 88 टंका रे तबे हम कोन करबा देखो हमको कोन दैछि एट देखो विक्रय मूल्य हमको दैछि एठी तो हम कोन करबा जेतो हमको विक्रय मूल्य हमको दैछि बाहर करिया माने विक्रय मूल्य तो जहा को बाहर करिया छै ताको सब राइट साइड रे रखिबो डाहा बटे रखिबो हमको जहा दैछि लेफ्ट साइड रे लिखिबो एटा को हम उल्टे के लिखि परबा हैला एटा उल्टे के लिखले कोन हो पिला माने जो 88 टंका विक्रय मूल्य रे क्रय मूल्य समान पिला माने 100 टंका एम्प्लॉइज 1 टंका विक्रय मूल्य रे क्रय मूल्य समान पिला माने केतो 100 विभक्त 88 बुझि पालो पिला माने एपर जों तो हमको कोन कहि छि 728 टका विक्रय मूल्य दे छि हमको तो एम्प्लॉइज कोन हो 728 टका विक्रय मूल्य पिला माने केतो हम एटा बाहर करली तुमको को 100 विभक्त 88 गुणन 728 काईना एटा टंका करे अति होइतला 728 माने गुणन 728 एतिको कोन बट टंका सब पिला माने टंका लिखबा को भूलिबोनी बुझियाला तो पिला माने देखो एटी बढ़िया कथा देखो एटा को हम कोन करबा माने 8 रे काटिबा केते हला 8 11 88 हला एडी तापर एटी पुनि कोन हबो 9 72 91 तो पिला माने देखो 100 गुणन 91 विभक्त 11 समान केते हला 91 पर 2टा 0 विभक्त 11 टंका बुझियाला तो एटा को पिला माने जेंते हम कोन कहितली मिश्र भग्नांश रे बाहर पडिया बिषय केते हितला 827 पूर्ण 3 विभक्त 11 केतिया बाहर हितला बड तुमन को देखैतिली बुझियाला तो एटा तुम मानकर कथा होजु सरीला एटी एटा होजु तुमर उत्तर अतए कोन लेखो अतए अंडा रो क्रय मूल्य समान 827 पूर्ण 3 विभक्त 11 टंका तो एटी पिला माने बुझी पारलो कंप्लीट 7 नंबर रो के आंसर त मोडी करिले तो एबे एपरजो आशा करछु तो माने हो भले के बुझी पारथिबो नेक्स्ट हम शिफ्ट करबा कोन के क्वेश्चन नंबर 8 को हला तो क्लास ता हमर टिके बडो होउछि मु मानु छी वो क्लास ता बडो होउछि बाकी क्लास ता बडो करबार कारण होउछि एटा कि तुम माने भले के बुझी पारिबो तो मो भी लिखौ छु पहिला माने ए भले जो क्वेश्चन थाए जो 7 नंबर ता मु जो करिले तो मन को आउट कथा कहिलि ने मु हला तो ए प्रकार रो गुटे बाहर करि पारिबो जेंते कि मु कोन कहिलि शतकटा जो देला 12 टका होची खेती करला 100 टका रे 12 टका करली सेटा तो करि पारिबो नहले आउटे फार्मूला तो मानको सिखाइतली शतकटा खेती रो शतकटा बुझला शतकटा खेती तुमन केते पिला माने खेती बाय क्रय मूल्य गुणन 100 बुझि पारलो तो ये फार्मूलाटा भी तो पक्के के बाहर करि पारिबो जे एते केते देला 12 जिला शतकटा खेती हला समान ए खेती जगह केते बो पिला माने खेती समान तुमर कोन क्रय मूल्य विजुक्त विक्रय मूल्य केतना खेती है जे जतना किनी तुसन विक्रय मूल्य बे कर ले खेती मिलबो क्रय मूल्य विजुक्त विक्रय मूल्य बी मूल्य पूछला विभक्त क्रय मूल्य क्रम गुणन 100 बुझला पिला माने तो तुम एडू कोन करि पाइबो क्रय मूल्य को एक्स नहीं पारिबो नले मते लेखि भी कर पारिबो एक्स नहीं गेलो एटा को एक्स माइनस विक्रय मूल्य विभक्त एटा जो विक्रय मूल्य तोर कहता है 728 हेतिला तो एडी कोन पिला माने एटा एक्स माइनस एते विभक्त एक्स हे जइबो इनटू 100 तो तापर कोन कर पारिबो एटा को तुमे एपोर्ट मान की गुणे की दुटा को इक्वेशन को समाधान कर दिखि तार उत्तर ता बाहर कर पारिबो बुझियाला एटा विकल्प पाइबा की एते फार्मूला जे मन न रहू छे सेटा हो सिंपलीस्ट दिला सेते हम ताको फॉलो के बुझेली तो एबे कोन ला हमर 7 नंबर सरला तापर एबे देखियो जे 8 नंबर क्वेश्चन ता बुझेला तो 8 नंबर क्वेश्चन लेके कोन कहि छे फर्स्ट टाइम हम कोन करबा क्वेश्चन को दुई थोर पढिबा बुझ पाला ना नहीं देखो समान विक्रय मूल्य रे दुई टी साडी रो
बिक्री रे गुटी करे 25% लाभ आ गुटे रे उच कोन छि 25% खेती होई छि बुझबाला ना नहीं दुकानी रे अतरे शतकडा केते लाभ बा खेती होई छि एडा काई देला शतकडा केते लाभ बा केते खेती होई छि काई देला काई हम जान छि कि लाभ बा के खेती हो कन ते जाना पड़िबो जते हम जान परबा तोर क्रय मूल्य और बिक्रय मूल्य मित्र फरक हम जान परबा सते बले उच कोन जान परबा लाभ केते खेती केते देखो तो ए बला क्वेश्चन को हम कोन करियो फर्स्ट आगे हमरो दत्तन लिखिबा बुझेला कौन दे दुईटा साड़ी बुझेला देख प्रथम साड़ी एक साड़ी हला द्वितीय साड़ी पिला माने दुईटा कथा को हम कौन करबा कंसीडर करबा केमती स्टाइल लेके देख गोटे करे 25% लाभ आ उठे 25% क्षति है बुझेला दुईटा साड़ी कौन है विक्रय मूल्य समान बुझे पार ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି କି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଦେଇଥିବ ତା ସହିତ କ'ଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ଷତି ଯଦି ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା ସମାନ ଦେଇଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଦେଇଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ମନେକର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀରେ କ'ଣ ହବ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମନେକର କେତେ 100 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ବିକିଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ତ କ'ଣ ହେଉଛି 25% ଲାଭ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ 100 ଟଙ୍କାର 25% ଲାଭ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ 100ରେ କି ଲାଭ ହେଇଛି କେତେ 25 ଟଙ୍କା ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 100 ଟଙ୍କାର ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରିଛି ବିକିଛି ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ 100 ନେଇଛେ ଏତିକି ବାଟ ସରିଗଲା ଆମର ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି 25% ଲାଭ ହେଇଛି ବୁଝିଲା 100ରେ ଲାଭ କେତେ ହେଇଛି 25 ଟଙ୍କା ଆମର ଯଦି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛି ବିକିଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ 125 ଟଙ୍କାରେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 125 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ହେଲେ କ'ଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିମୁ କେତେ ହବ ତୁମର 125 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି 25% ସେ ଲାଭ କରୁଛି 100 ଟଙ୍କାର 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ 125 ଟାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବା କାହିଁକି ଆମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100ଟା ଆମେ ପାଇଛେ ହଁ ନା ତ 125 ବି ମୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ 100 ଏକରେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ସେମିତିଆ 100ରେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଗୁଣନ 100 ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତିଆ ତମେ 125 ଏଇଟା କେତେ 25 କାଟିଲେ କେତେ ହବ 25 × 5 = 125 × 25 = 100 ସମାନ କେତେ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କାଟି ଦିଅ 4 × 4 5 × 5 20 × 5 = 100 ଛୁଆ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 80 ଟଙ୍କା ତାମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କି ସିଏ ହେଉଛି କିଣିଛି କେତେ 80 ଟଙ୍କାରେ କି ବୁଝିପାରିଲ 80 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ସେ କିଣିଛି ବିକିଛି କେତେ ଟଙ୍କାର 100 ଟଙ୍କାରେ ୟା କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ୟା କଥା ବୁଝିବା ବୁଝିଲ ଗୋଟେରେ ଆମର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଗଲା କେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ମାନେ ୟାର ବି କ'ଣ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନେଇଥିଲେ ମନେକର 100 ସେଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି 25% କ୍ଷତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି 25% କ'ଣ ହେଇଛି କ୍ଷତି କ୍ଷତି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ସେ କିଣିଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି 100 ବିଯୁକ୍ତ 25 ସମାନ କେତେ 75 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କଲା ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି 75 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛି ପିଲାମାନେ 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 75 ଟଙ୍କା ଆଗେ ତୁମେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ 75 ଟଙ୍କା ବିମୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ ହବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତୁମର 100 ଟଙ୍କା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ 1 ଟଙ୍କା ବିମୁରେ ହବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତେ ହବ ତୁମର 100 ବିଭକ୍ତ 75 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ କେତେ 100ରେ କି ବାହାର କର ପିଲାମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 75 × 100 ପିଲାମାନେ ଦେଖ 25 × 3 = 75 × 100 କେତେ ହେଲା 400 ବିଭକ୍ତ 3 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରେ କି ହେଉଛୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ସେକେଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଥମଟାରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବ ତୁମେ ମାନେ 400 ବିଭକ୍ତ 3 ସମାନ କେତେ ହବ 3 × 3 9 × 3 = 9 ପୁଣି 3 × 3 = 9 ହେଲା 133
133 पूर्ण कथा छि 1 विभक्त 3 तो पिला माने एटु गुटे कथा देखो हमर विक्रम मूल्य दुइटा रे कथे हि छि गुटे रहौ 80 आ गुटे रहौ छि 133 बुझला 133 पूर्ण 1/3 तो आकु लिखो छु हमको एटा रहला हमको हिसाब रे सुविधा हो हला तो हम कोन करबा टोटल विक्रम मूल्य विक्रय मूल्य सब मिस अशी युक्त चार शह विभक्त तीन पे देख तीन लस तार अठी चौबीस चौबीस पी गोटे शून्य प्लस चार शह पे तुम छुक्त तीन बुझिपाल ना नहीं कौन है विक्रय मूल्य पे क्रय मूल्य तुम एटा तुम कौन है पे क्रय मूल्य सरी विक्रय मूल्य न कहीं क्रय मूल्य बाहर कर क्रय मूल्य समान कहते हैं कौन अच्छी क्रय मूल्य बाहर करय मूल्य बाहर कर क्रय मूल्य क्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य शहे युक्त शहे समान दुश विक्रय मूल्य समान के पे शहे युक्त शहे समान के दुश तो पे देखी पार मैंने बिकी से टोटाल दुश टी के बड़ ना नहीं बड़ तेणु कौन क्रय मूल्य कौन बड़ा विक्रय मूल्य हूँ कम अधिका टकरे कम पैसा बिक्री कर क्षति पे क्षति कहते हम क्षति सामान तुम कन्सीडर कर क्रय मूल्य विजुक्त विक्रय मूल्य छह चालीस बन विजुक्त दुश पे सामान तीन छह चालीस विजुक्त छह पे चालीस विभक्त तीन तो ये कौन है पे क्षति आम चालीस विभक्त तीन टाइम बुझीपाल टाइम कत क्षति क्रय मूल्य के दुश टा क्रय मूल्य देखी बुझीपाल आम क्षति हो चालीस युक्त तीन बुझीपार नहीं तो पे देख आम क्षति के चालीस युक्त तीन चालीस युक्त तीन जो क्षति आम विक्रय मूल्य के दुश टा दुश टा विक्रय मूल्य हूँ क्षति एला बुझीपाल आमको विक्रय मूल्य के प्रति क्षेत्र आमको शहे टकर बुझीपाल ना तो आम कौन कर शहे टकरे के तार क्षति हम से बाहर करवा तो दुश टा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्षति सामान के पे चालीस विभक्त तीन क्या टोटाल क्षति होती तो टाँह के चालीस विभक्त तीन चालीस विभक्त तीन विभक्त दुश सामान के पे चालीस विभक्त तीन गुणन एक विभक्त दुशा बुझीपाल ना उल्टी जीव तो ये कौन है पे शहे टकरे बाहर कर चालीस युक्त तीन गुणन एक युक्त दुश गुणन शहे पे देखो दुईटा दुटा शून काटिगला है दुई के दुई कोड़े सामान के पे कोड़े विभक्त तीन सामान के तीन है तेरह तीन छत्तीस अठर कोड़े छ पूर्ण दुई विभक्त तीन टाँह तुम कौन है पे शतकड़ा क्षति शतकड़ा क्षति के शहे टकरे क्षति होती शहे टाँह विक्रय मूल्य क्षति आम के छूर्ण दुई विभक्त तीन एटा हूँ तार आंसर बुझीपाल एवं आम कौन कर भल कि लिखा तेणु कौन है पे जब तुम मैंने बुझीपार है तुमको किसी धारण आवश्यक ना तो तुम आज भिड देखिए टाइम वेस्ट कर आवश्यक नहीं बुझा तो तुम ये बुझा दरकार से कौन कल सर्ट्रे बुझे आम कौन कर धारा आकर लिखा धर जाओ तुमको एक्जाम लिखार अच्छी कमी लिखार अच्छे से देखो एथे आम कौन करवा प्रथम सर्त गोटे ना द्वितीय सर्त प्रथम क्षेत्र में कौन ना आम कि 25% लाभ होती द्वितीय सर्त कौन हो 25% क्षति होती बुझला तो ये लिखता है सामान विक्रय मूल्य दुईटा शाढ़ी बिक्री गोटे 25% लाभ होती अंटर 25% क्षति होती बुझेगा तो ये लिख मन कर समाधान हाँ लिख मन कर शाढ़ी रो
ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ 100 ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତୁମକୁ ଶାଢ଼ୀର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନେଇଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀର ମନେକର ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀର ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ମୋଟ ମୋଟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମୋଟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 100 ଯୁକ୍ତ 100 ସମାନ କେତେ ହେଲା 200 ଯୋଉଟାକି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା 200 ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ତ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ମୋଟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମର କେତେ ବାହାରିଗଲା 2 ନେଇକି ଏବେ ଆଣିବା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀରେ କି ଧର ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଯାଉ ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀ 25% ଲାଭ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟାର 25% କ୍ଷତି ହେଇଛି ତ ନିଅ ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀରେ 25% ଲାଭ ଅଛି ଲାଭ ହୋଇଛି ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ୀରେ କି 25% ହଉଛି ତାକୁ ଲାଭ ହେଇଛି ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ସେ କ'ଣ କରିଥିବ 100 ଟଙ୍କାର ଯଦି ସେ କିଣିଥିବ 125 ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଛି ଅତଏବ 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 125 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ହେଲା ଏଇଟା କାହିଁକି 25% 100 ଟଙ୍କାର 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି ତା ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଲେ 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ 125 ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ 125ରୁ 100 ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କେତେ ହବ 25 ହବ ସେଟା ହଉଛି ଲାଭ କାହିଁକି କ'ଣ ହବ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଯୁକ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସେଟା କ'ଣ ହବ ଲାଭ ହବ 25 ବାହାରିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ଏବେ ଦେଖ 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 125 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମକୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଟା ଆମେ ଏଠୁ ଧରିଛେ ନା ନାଇଁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ବୁଝିହେଲା ତ କ'ଣ ନା 125 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଛେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଉଲଟା କରିଦେଲି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 125 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହବ ତ 1 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ବୁଝିପାରୁଛ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିବା 100 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲେଖୁ ତଳକୁ 100 ବିଭକ୍ତ 125 ଗୁଣନ 100 ପିଲାମାନେ ଦେଖ 25 50 125 25 100 ସମାନ କେତେ ହେଲା 400 ବିଭକ୍ତ 5 କ୍ଲିଅର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏଇଟା ସମାନ କେତେ ହବ 80 କାହିଁକି ଦେଖ 8 5 5 5 8 5 40 ଶୂନ 80 ବୁଝିପାରିଲେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ 80 ଟଙ୍କା ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବି 100 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅତଏବ 100 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଛି ସର୍ଟରେ ସମାନ କେତେ 80 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇଗଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ଆମକୁ କାହିଁକି କାହିଁକି 2ଟାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ରହୁଛି ସମାନ ତ 2ଟା ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ କିଣା ଦାମଟା ଯଦି ବାହାର କରିଦେଲେ ତା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଧରିଛେ ଯେତିକ ସେଇଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ହେଲା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଲାଭ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଉ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଆମେ ବାହାର କଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଢ଼ୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଢ଼ୀରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 25% କ୍ଷତି ହେଇଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 100 ଟଙ୍କା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛି କ୍ଷତି ସମାନ କ'ଣ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିହେଲା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ ହବ 100 ବିଯୁକ୍ତ 25 ସମାନ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 75 ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 75 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା ତୁମର 100 ଟଙ୍କା କିଣିବା ବେଳେ
75 টাকা হচ্ছে তোমার বিক্রয় মূল্য তার মানে কেটে গেল কত ধরে 75 টাকা বিক্রয় মূল্য রে বিমূল লিখ দিলি বিক্রয় মূল্য রে ক্রয় মূল্য সমান কত 100 টাকা ইমপ্লাইজ গটে টাকা রে কি কত হবে পিলা মানে 100 বিভক্ত 75 তারপরে আমি কোন করি 100 টাকা রে কত হবে পিলা মানে সমান কত 100 বিভক্ত 75 গুণন 100 বুঝলা তো এবে দেখো পিলা বলে 25 3 75 25 4 100 সমান কত হলো এটা 400 বিভক্ত 3 এ পর্যন্ত বুঝি পালো পিলা মানে কি 100 টাকা দেখি আমার কত 100 টাকা কোন এটা বিক্রয় মূল্য রে ক্রয় মূল্য আমার কত হলো এতিক তো 100 টাকা বিক্রয় মূল্য রে ক্রয় মূল্য এতিক দিন আপনি 100 টাকা বিক্রয় মূল্য রে কি ক্রয় মূল্য এতিক লাউড লিখে দিও অতএব 100 টাকা বিক্রয় মূল্য রে ক্রয় মূল্য সমান কত হলো তোমার 400 বিভক্ত 3 প্রথম শাড়ির কোন ছিল পিলা মানে 100 টাকা রে বিক্রি দিলা 80 টাকা রে কিনে কি সেকেন্ড আর কোন কইলা 100 টাকা রে বিক্রি হচ্ছে কিনেছে 400 বিভক্ত 3 টাকা হচ্ছে কিনেছি বুঝি পারলো তো টোটাল ক্রয় মূল্য আমি কত বাহির করি বা টোটাল বিক্রয় মূল্য কত বাহির করি টোটাল বিক্রয় মূল্যটা আমি কোন করছি মোট বিক্রয় মূল্যটা 200 টাকা বাহির করছি মু হ্যাঁ তো মোট ক্রয় মূল্য আমি বাহির করিবা এটা দুইটা সার্ভিস কত টাকা দিয়ে কিনিতরা মোট ক্রয় মূল্য সমান পিলা মানে কত হবো 100 টাকা রে কি মোট হচ্ছে ক্রয় মূল্য কত হচ্ছে মানে 100 টাকা বিক্রি কি তার কিনা দামটা কত হইছে 80 যুক্ত 400 বিভক্ত 3 পিলা মানে কত হলো এটা 824 240 যুক্ত 400 বিভক্ত 3 বুঝলা সমান 640 বিভক্ত 3 পিলা মানে এই যে 640 বিভক্ত 3 টা ইয়ে সংখ্যাটা 200 টার বড় না সামা দেখো এটা আমি কেমতি আমি কই দিলি হলো পরিমেয় সংখ্যা রে কি বুঝাই দিলি 640 বাই 3 তো আকু মিশ্র বনাও ফার্স্ট কত হবো 3 এটি রকম 3 দুনে 6 হলা পুনি 4 হলা 3 কে 3 পুনি এটি কত হলা 10 হলা 3 3 9 এটি কি হবে না নেই পিলা মানে তো 213 পূর্ণ এ বিভক্ত 3 তো 213 অলরেডি পূর্ণ হয়ে সারছি তাহলে তার ক্রয় মূল্যটা 213 টাকা আর অধিকা বুঝলা বিক্রি কত 200 টাকা রে তো 200 টাকা রে বিক্রিছি কিনেছি 213 টাকা তাহলে লাভ হইছে না কত হইছে তো অবিয়াসলি ক্ষতি হইছে না সেই কথা কো তো কোন হইছে বিলা মানে ক্ষতি হইছে কত ক্ষতি হইছে এইটা এটা বিয়োগ কর দিও হ্যাঁ 200 মানে কত 13 পূর্ণ এ বিভক্ত 3 টাকা হইছে তার ক্ষতি হইছে এবে আমকো এটা দরকার নাই এবে আমি কোন কইবে এটা লিখে দাও বুঝেলা পিলা মানে দেখো এবে আমকো কোন দরকার কি ক্ষতি কত হইছে দেখিবা ক্ষতি দালে লেখ পিলা মানে ক্ষতি হইছে জানি পেলে ক্ষতি হইছে না ক্ষতি সমান কোন হবে পিলা মানে 640 বিভক্ত 3 বিযুক্ত 200 কাই কি যেহেতু ক্ষতি সমান বিক্রয় মূল্য বিযুক্ত ক্রয় মূল্য ক্রম বুঝি পারলো পিলা মানে তো বিক্রয় মূল্য আমার এটা হইছে ক্রয় মূল্য আমার এটা ছিল হ্যাঁ দেখো সমান কত হলো 3 রইলা এটি কত হবে পিলা মানে 3 রইলা মানে এটা 640 হি রইব বিযুক্ত 3 এপট যাকে গুণি যাব কত হবে 3600 তো পিলা মানে কত হলো 40 বিভক্ত 3 এ পর্যন্ত বুঝি পালো পিলা মানে ক্ষতিটা কত রু ক্ষতি হইছে তো 200 টাকা বিক্রয় মূল্য রে তার ক্ষতি টোটাল হইছে হচ্ছে 40 বিভক্ত 3 টাকা বুঝি পারলো তবে আমি টঙ্কা কিরে বাহির করিবা তারপরে 100 রে বাহির করিবা তো এইটু মু কিছু লিখব হচ্ছে হ্যাঁ এতিক পর্যন্ত মু এইটু লিখব হচ্ছে এতিক রে হইব মোর দেখো তো এইটু কোন হলো তাহলে পিলা মানে 200 টাকা রে 200 টাকা বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য রে কত ক্ষতি কত ক্ষতি সমান হচ্ছে 40 বিভক্ত 3 তো টাকা করে কত হবে পিলা মানে 40 বিভক্ত 3 বিভক্ত 200 সমান কত হলো 40 বিভক্ত 3 গুণন 1 বিভক্ত 200 পিলা মানে সেপলে 100 রে কত হবে 40 বিভক্ত 3 গুণন 1 বিভক্ত 200 গুণন 100 বুঝলে দুইটা দুইটা শূন্য কাটি গেল দুই কে দুই কুড়িয়ে 40 সমান কত হলো পিলা মানে 20 বিভক্ত 3 বুঝলে তো মানে 100 টাকা বিক্রয় মূল্য রে তার ক্ষতি হচ্ছে কত 20 বিভক্ত 3 তো এইটা কোন শতকড়া ক্ষতি মাগিছি কোন শতকড়া কত ক্ষতি হবে কি লাভ হবে তো শতকড়া ক্ষতি আমার কত হলো এইটা অতএব এটি লাস্ট লিখবো অতএব শতকড়া
क्षति समान 20 विभक्त 3 परसेंट बुझेला पिला माने एटा होछ कथा तो आकु तुमे भांगी के लिखि पारिबो 6 पूर्ण 2 विभक्त 3 बुझेला 6 पूर्ण 2 विभक्त 3 टंका सतोडा खेती तारो